हेलो डियर स्टूडेंट, तो देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास जैसे कल रात से क्या हुआ कि जैसे जैसे नोटिफिकेशन आया जा रहा है कि आपका किस तरीके से वो फिक्स कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम का आप रिजल्ट निकाल सकते हो, तो वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो क्या प्रोसीजर है, क्या कैसे क्या निकालने। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वेटेज कितना कितना है। तो आपका देखो 10th क्लास का जो है वो 40% है आपका, ठीक है। 10th क्लास का आपका 40% है। आपको मैं रिजल्ट फटाफट चुटकियों के अंदर कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है ना। बस एक बार प्रोसीजर देख लो आप फटाफट कैसे होगा, ठीक है। 11th क्लास का जो है वो आपका कितना 20% है। ये मैं 12th क्लास का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 10th क्लास में वो ग्रेडिंग वाला सिस्टम कर दिया, वो ग्रेडिंग वाला समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा। तो जो मेरे को आ रहा है 12th क्लास का, मैं इजी वे में आपको मैं समझा दूंगा पूरा, और हो सका तो मैं 10th का भी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो आप। तो देखो 20, जबकि आपके मतलब 11th क्लास का आपका 20% पर ओवरऑल परसेंटेज का, 10th क्लास का 40%, और आपके 20% जो है ये आपके स्कूल कम्युनिटी जो है, मतलब स्कूल का स्टाफ, टीचर्स, जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो सपोज केमिस्ट्री में क्या कैसा क्या परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे वो 20% मार्क्स उसके हैं, और 20% आपका जाएगा सेशनल। सेशनल आपके सेशनल के अंदर क्या होगा, जैसे आपके मार्क्स कितने के आ रहे हैं, कि अटेंडेंस वगैरह, तो आपके वो 17 के 20%, तो ये तो आपका सेशनल है। आई बात समझ में। अब मैं जैसे जरा आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है सपोज उसकी, है ना, तो उसकी 10th की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। उसकी 10th की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 85% है। कितनी है, 85% है, ठीक है। तो 85%, अब 10th की परसेंटेज का कितना 40% ले रही है, तो 85 का आपको 40% निकालना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 85 × 40% करना है ना, डिवाइडेड बाय कितना कर देना है उसको, 100। तो आपको एक बात ये निकल के आएगी समझ में कि सर 34% यहाँ से निकल के आएगी। बात आ गई मेरी समझ में, नीचे 100 कर देना है, 0 से 0 काट देना, आप इसको सॉल्व करोगे 34% आ जाएगी, ठीक। फिर मतलब यहाँ से आपका 34 आ रहा है, ध्यान रखना। फिर ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए 11th की परसेंटेज भी है, तो मान लीजिए कि 11th की जो बच्चे की परसेंटेज है वो 90% है, 11th की 90% है। ये मैं एक एग्जांपल करके रख रखा हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को ये भेजा है, तो उसी का मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। 90% उस बच्चे की क्या है, 11th की परसेंटेज है। तो 11th का तुम्हारे को पता कितना लेना है, 20% लेना है, तो 20% तुम यहाँ ले लेना। तो 11th का 20% कितना आएगा, अपॉन 100 कर लोगे ऐसे, तो ऐसे करने के बाद आपके यहाँ से आएगा 18%, ठीक है। मतलब आपकी 10th का 34%, 11th का 18%, और अब मान लीजिए कि आपके बचा 12th का, तो ये तो काम था 11th का, ये काम था 10th का, और अब आपके बची 12th का। अब मान लीजिए आपकी टीचर से अच्छी खासी बनती है, पढ़ती है शानदार वाली, तो होगा क्या कि आपका टीचर्स ये पक्का है, जो आपकी स्कूल की कम्युनिटी गाइडलाइन है, आपके स्कूल प्रिंसिपल वगैरह जो कुछ भी है, वो आपको पक्का है, वो अपने आपके 20% देंगे, ठीक है। कोई स्कूल ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट खराब हो, ना कोई टीचर चाहता है, ठीक है। तो 20% तो आपके वो, और 20% आपका सेशनल, तो 20 और 20% कितना हो गया टोटल, 40%। तो ऐसे करके टोटल कितना हो जाता है, ये 40% हो जाता है। बात मेरी आ रही है समझ में। तो 8 और 4 टोटल अब कर लो इसका, तो इसका तुम टोटल करके देखोगे ना, इसका टोटल, तो इसका टोटल करने पे आएगा आपके 92%। ओ सर कॉन्ग्रेचुलेशन, इस बच्चे की 92% बन रही है, आ रही है बात समझ में। तो ये बच्चे की 92% बनेगी, ठीक है, यदि आपके स्कूल में 20-20% आपको भेजे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्कूल से आपको ध्यान रखना, 40% टोटल मार्क्स मिलेंगे, बाकी आपकी 10th और 12th। तो आप इससे क्या कर सकते हो, एकदम परफेक्ट आपका रिजल्ट निकाल के आप बता सकते हो कि कितना आ रहा है। तो सारे बच्चे प्लीज़, मेरे वाले जितने बच्चे हो, मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपको मैंने बता दिया। अच्छा, मैं 10th की बात कर रहा था, तो 10th में क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है, ए ग्रेड का ये माना जाता है कि 80+ परसेंटेज है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। आपकी 9th की परसेंटेज आपको पता होगी, 10th की परसेंटेज पता होगी, इस तरीके से रख देना और आपको आपका रिजल्ट पता लग जाएगा। करना क्या है, जो भी आपका परसेंटेज जैसे 10th का है तो उसको यहाँ रख देना 85 की जगह, ठीक है। 9th का है जो भी, उसको ऐसे ही रखने हैं उनको, और आपका आंसर निकाल देना है, और फिर लास्ट में जो भी आ रहा है उसको जोड़ देना है, जोड़ते ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे, मैं जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपना रिजल्ट बताना, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना, 0.2 0.4 का डिफरेंस आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया सबसे बेस्ट तरीके से, ठीक है। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर कैसे आएगा, तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से निकालो रिजल्ट और मुझे बताओ पूरे का, ठीक है। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी पूरी कर दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सबको, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सबकी परसेंटेज का पता लगे, ठीक है।